श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पुत्र के अंतर्राज्यीय विवाह समारोह में शिरकत करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सदर प्रखंड के कारी गांव में श्रम मंत्री के परिजनों से मुलाकात कर दूल्हे को बेहतर भविष्य की शुभकामना दी। उन्होंने चतरा के अति महत्वाकांक्षी प्रतापपुर प्रखंड के टंडवा डैम का जीर्णोद्धार करते हुए किसानों को कृषि में सहयोग प्रदान करने की बात कही, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सहायक पुलिसकर्मियों के विभिन्न मांगों के समर्थन में आंदोलन और हड़ताल की घोषणा के सवाल पर चुप्पी साध ली। नहीं, हम सब लोगों को मालूम है, आज माननीय मंत्री भोक्ता जी के पुत्र की शादी है। आज इसको लेकर पूरे इस ग्रामीण क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। सभी माननीय विधायक और जनप्रतिनिधि परिवार के सदस्य आज वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। उसी शुभ अवसर पर आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सर, एक सवाल है, टंडवा में सर एक डैम टूटा हुआ है सर, उससे काफी लोगों का सिंचाई का साधन है सर, उसको बनवा देते तो अच्छा रहता सर। तो बिल्कुल, आपके इस संज्ञान का, आपके इस बात को हम संज्ञान लेते हैं और अविलंब उसको जो उसकी खराबी है उसको मरम्मत करने का। सर, सहायक पुलिस आंदोलन के मुद्दे में सर फिर से इस पर झारखंड सहायक पुलिस संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने कहा है कि सहायक पुलिसकर्मी संघ विगत कई वर्षों से अस्थायीकरण व बकाया मानदेय भुगतान के साथ साथ मानदेय में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत है। तुम्हारे फाइलों में सहायक पुलिस की मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़ा झूठे हैं और दावा किताबी है। इसी बात को शब्द सह पालन करते हुए माननीय झारखण्ड सरकार जिस प्रकार से एक वर्ष से हमें केवल झूठा आश्वासन देने का जो प्रयास कर रही है वह बहुत दुख और निराशाजनक है, क्योंकि अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं उस विषय को लेकर सरकार के कानों तक समय समय पर आवाज़ों को बुलंद किया जाता रहा है और सरकार के तरफ से भी समय समय पर आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन एक से डेढ़ वर्ष बीत जाने के बावजूद सरकार के तमाम आला अधिकारी से लेकर मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन यह अब तक झूठा साबित हुआ है। पुनः विनम्र निवेदन करते हैं कि इन नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के साथ आप न्याय करें और जल्द से जल्द जो मूलभूत अधिकार है उसको देने का काम करें, अन्यथा बाध्य और मजबूर होकर चरणबद्ध तरीके से अपनी आवाज को सत्ता के गलियारों तक गुंजायमान कराने के लिए हम बाध्य होंगे और इसमें हम मजबूर हैं, इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अतः आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्याओं को संज्ञान में लें और इसका जल्द से जल्द निराकरण करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, अन्यथा आपकी कानों तक आवाज को हम पहुंचाने के लिए जो भी न्यायोचित संवैधानिक मार्ग हो उसको हम अपनाएंगे। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष के अनुसार सरकार अभिलंब हमारी मांगों को नहीं मानती है तो वे सड़क पर उतरकर वैधानिक तरीकों से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चतरा से अशोक तुलस्तियान की रिपोर्ट।